तेरे को लोद लगा कि कवारी मंदिर। मैं हूं ताहिर सरवर मीर और मेरे साथ हैं नईम वजीर साहब। ये हैं मेरे फेवरेट और सब कॉन्टिनेंट के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जो जोड़ी रही बख्शी वजीर साहब की। वजीर साहब के बेटे हैं और बहुत बड़े मीडिया मैन हैं। नईम भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। पहले तो बात हो कि अख लड़ी बदोबदी की। जी अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी, अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। ये गाना ख्वाजा परवेज साहब ने लिखा था और बख्शी वजीर साहब इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे और ये अपने वक्त का ब्लॉकबस्टर गाना था। और ये सारी और उसके बाद पिछले दिनों इन्हें एक हमारे अब जैसे गैजेट्स आए हैं, सोशल मीडिया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें आर्टिस्ट तो खैर नहीं कहना चाहिए, एक चेजा वो लोगों का भी होता है। वो किसी ने गा दिया कि पंख पता नहीं क्या कर दिया और कोई डिग पे आया तो वो भी हो गया। तो चाहत एक वो है करैक्टर है, उसने गा दिया और इतना बुरा गाया। वो वैसे जो ट्रैक बना था नईम भाई वो किसी प्रोफेशनल ने बनाया होगा और आसान ट्रैक बनाया कि ये उसको मिक्स कर ले। वो उस ट्रैक से भी हजारों मील दूर था तो उसका ये हुआ कि 24 मिलियन हुआ। ये एक लम्हा फिक्रिया भी है कि 24 मिलियन लोगों ने उसको देखा और हमारा ज़ौक़े सलीमी को क्या हुआ है, जिस सब कॉन्टिनेंट में कभी नूर जहाँ साहबा गा रही थी, लता जी गा रहे थी और किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और दूसरे लोग, वहाँ जो है अख लड़ी बदोबदी का उन्होंने वो बेड़ा गर्क किया। अब क्या हुआ है वो सुना है कॉपी राइट्स एक्ट पे उसको जो है उठा दिया गया है। जी मैंने कल मुझे एक मैसेज आया उसमें उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे 20 मिलियन व्यूअर्स के बाद उनको जो है वो उन्होंने यूट्यूब से उतार दिया गया उनका वो वीडियो ड्यू टू कॉपीराइट। बेसिकली उन साहब की खुशकिस्मती ये है कि उनको एक अच्छा गाना मिल गया, एक फेम चीज़ मिल गई जिसको उन्होंने अपना लिया। बदकिस्मती उनकी ये है कि उनको गाना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद उनको उस गाने की बरकत देखें, उसका नहीं भी गाना आता तो 24 मिलियन हो गया। मौका मिले कदी कदी 24 मिलियन हो गया क्योंकि उस गाने के फैन जो हैं वो आप भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अच्छी मेलोडी जो होती है ना दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सोल। तो जैसे आपने सुना अगर सॉरी ये पहले बात करें फिर मैं अगला सवाल करता हूँ आप। अच्छी मेलोडी जो होती है ना ये सोल के साथ अटैच होती है। जैसे आपको याद होगा कि 90s में जब कैसेट्स आया करते थे तो एक ही फैमिली में 10 गानों का कैसेट या 8 गानों का कैसेट होता था जी। उसमें हर एक को सारे गाने पसंद नहीं होते थे। भाई की फरमाए वो जो पसंद होती थी वो कोई एक गाना होता था, बहन की जो पसंद होती थी वो कोई दूसरा होता था। तो हर मेलोडी जो है ना वो हर एक सोल के साथ अटैच होती है। कुछ मेलोडीज ऐसी हैं। अच्छा नहीं भाई ये बताएं ताकि लोगों को ये भी पता चले क्योंकि इसका बर ऐसे ही छोटा होता है यूट्यूब का कि ये जब गाना आई थिंक 1974 का है। जी बिल्कुल। और इसकी आप बिल्कुल छोटे होंगे जी, पैदा हो गए थे उस वक्त? जी जी मैं 69 में पैदा हूँ। अच्छा ठीक हो गया। तो 1974 में ये गाना फिल्म रिलीज हुई बनारसी ठग और ये पिक्चराइज हुआ था, मुमताज डेब्यू उन्होंने किया था, कैबरे था और मनवर जरीफ साहब और चौहान साहब वो प्रोड्यूसर जो उसमें सेठ माचिस वाला बने हुए हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? सुना ये गाना इकबाल कश्मीरी साहब जो म्यूजिक फिल्म डायरेक्टर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जी ये स्टोरी मुझे मेरे वाले साहब ने बताई थी और मैंने इसको कंफर्म भी किया। बेसिकली जब ये गाना मेलोडी बन के गई और वहाँ पे सुनाया गया तो इकबाल कश्मीरी साहब एकदम से खड़े हो गए। वहाँ पूरी टीम बैठी थी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, तो इकबाल ख्वाजा परवेज साहब भी चूँकि वो गाना लिखा उन्होंने था, बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का। तो एकदम से ये जो इकबाल कश्मीरी साहब ये खड़े हो गए, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक ही बना देता है, ऐडा ठंडा गाना
मेरा क्लब का क्लब की सिचुएशन है, मैं गर्म गाना चाहिए, मैं डांस करवाना, तुम एड्डा ठंडा गाना बनाता है, ऐ नहीं मैं रखना, ऐ नहीं रखना। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं कश्मीरी साहब, ये सुपर हिट सॉन्ग है, आप इसको रखें, आप की फिल्म के लिए बहुत बेहतर है। बात बढ़ते 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 वो बहुत ही गर्म हो गया मामला। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब उठे और उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर्स को मुखातब किया, उन्होंने कहा जी आपकी डेड फ्लॉप फिल्म है। अब उन्होंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा जी मैंने स्टोरी सुनी है, आपकी फिल्म डेड फ्लॉप है, ये जब तक जिंदा रहेगी ये फिल्म इस गाने की वजह से रहेगी। वाह, अगर आप ये गाना रख लेंगे तो आपकी ये फिल्म पास होएगी, बिजनेस करेगी, अदरवाइज ये फिल्म फ्लॉप है। वाह, प्रोड्यूसर साहब को ये बात समझ आ गई, उन्होंने कहा जी हाउ कैन यू से विद दिस कॉन्फिडेंस के ये गाना ही हमारी फिल्म को लेके चलेगा। मेरे अबू के एक दोस्त थे निसार भट्ट साहब, अल्लाह बख्शे, वो पाकिस्तान टाइम्स अखबार में होते थे और अबू के इश्क में डेली स्टूडियो आया करते थे। वाह, उन्होंने उस दिन एक गाड़ी नहीं ली थी, तो वो उन्होंने कहा कि बात सुनो जी, मेरे दोस्त ने अगर कह दिया ना तो ये गाना हिट है। वाह, अगर नहीं हिट होगा तो मैंने आज नई गाड़ी ली है, मैं ये गाड़ी की चाबी इकबाल कश्मीरी साहब आपको दे दूंगा। वाह 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 वाह, ये निसार भट्ट साहब का क्रेडिट है। निसार भट्ट साहब तो अब दुनिया में नहीं है, उनके बच्चों को सैल्यूट है कि जिन्होंने इतनी बड़ी म्यूजिक डॉक्यूमेंट और इतना बड़ा म्यूजिक आर्काइव जो है वो प्रोवाइड किया, और निसार भट्ट साहब की गारंटी थी। उसके बाद उन्होंने कहा, इकबाल कश्मीरी साहब ने ये कहा कि अच्छा अगर ये गाना हिट हो गया तो मेरी क्या सजा है। तो अबू ने कहा कि एक मिनट कश्मीरी साहब, मैं सारी जिंदगी आपके साथ काम नहीं करूंगा। ओए होए होए, और ये बात गवाह है, मैंने इकबाल कश्मीरी साहब से भी कंफर्म किया, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। इकबाल कश्मीरी साहब ने लात आदाद दफा उनको स्टूडियो में रोका, उनका एक डायलॉग था मेरे बादशाह। हाँ, मेरे तो उन्होंने वो उनको कहते हैं कि मेरे बादशाह एक और अख लड़ी बदोबदी बना दो, तो उन्होंने कहा नहीं कश्मीरी साहब आपको म्यूजिक सेंस नहीं है, आपके साथ मैं काम नहीं कर सकता। वो देखिए, नहीं भाई, आपके साथ मेरी मुलाकातें हैं पिछले 25-30 साल में, मैंने दूर दूर से आपको देखा, आप बड़े लोगों की औलाद हैं सर। ये देखिए कि ये क्या इकबाल कश्मीरी साहब का कितना बड़ा स्कोर रहा है, और उसमें म्यूजिक जो है बाबल से लेके जितनी भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं उसमें मास्टर अब्दुल्ला उनके म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, बख्शी वजीर साहब उनके म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। तो बड़े बड़े जो डायरेक्टर होते हैं उनकी सिम में ये म्यूजिक की ऑप्शन नहीं होती, और फिर भी उनके स्कोर बन जाते हैं। और वो मैं हैरान हूँ क्योंकि इकबाल कश्मीरी साहब से मेरी बड़ी वो रही है शफकत, वो फरमाते थे मुझसे, और मैं उनकी फिल्मों की बुनियाद पे उनके बड़ा करीब गया। तो वो जो पैटर्न और वो है, वो इकबाल कश्मीरी साहब ने 46-47 साल पहले कहा कि ये ठंडा गाना है, इब्रारुल हक आज भी गा रहा है, और वो गाना ऐसा है, मेरी बेटी यहाँ माशाल्लाह वो अमेरिका में है और उसकी शादी, वो जब ये गाना मैं लगा के सुनता हूँ, ये मेरा फेवरेट गाना है जब से आया है, मैं सुनता हूँ इसे, चाहे महीने बाद सुनूँ चाहे हफ्ते बाद सुनूँ, तो इतना जानदार उसका पैटर्न है, टन 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 टन, वो कांगो और वो सारे कुछ, तो उन्हें ठंडा कह रहे हैं। इस गाने की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये जो आपने अभी कांगो का और गिटार का जिक्र किया, मेरी पोपा साहब से बात हुई, जो ताफो साहब के भाई हैं, मज़हर अली पोपा साहब पोपा लाइटिंग के नाम से काम भी करते हैं वो। ताफो ब्रादरान में वो हैं जिन्होंने गैजेट्स और ये मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई, HMI लाइट्स जो हैं पहली दफ़ा, और मौला जट के वो बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर, इनोवेटिव आदमी है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई थी कि मैंने जब ये गाना रिकॉर्ड होने लगा तो मैंने कहा था, मैं सूरज खान का शागिर्द हुआ था उस वक्त, वो कह रहे हैं सूरज खान एक हमारे सितार नवाज थे। वाह, तो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि नज़र साहब जिन्होंने इस गाने में अकॉर्डियन बजाया है, मेरे वाले साहब के सारे कानों में मास्टर नज़र साहब, नहीं नहीं ये नज़र साहब थे, रेडियो पाकिस्तान पर काम करते थे नज़र हुसैन, ये बहुत हमारे अजीज थे, मेरे वाले साहब के रिश्ते में भतीजे भी लगते थे उन्होंने, हालांकि अकॉर्डियन तो भाग साहब से मंसूब है जी, लेकिन मेरे वाले साहब के सारे गानों में नज़र साहब ने बजाया है, बहुत अच्छा बजाया, टोटल बैकग्राउंड में भी और इस गाने में भी। तो उन्होंने कहा कि अपने चाचे को कहो यार कि मुझे ना ज़रा पीस ऐसा बना के दे कि मेरा नाम हो जाए। अब उन्हें पीस बनाया, कह रहे पोपा साहब कहते हैं मुझे मिला, उस वक्त होता ये था कि 9 बजे म्यूजिशियन आते थे और मैडम आती थी 2 बजे के बाद, तो लंच के बाद सारे म्यूजिशियन याद करके अपना काम सुनाते थे और फिर मैडम आती पहले मैडम को यानी सिंगर को और म्यूजिशियन को सबको साथ बजाना पड़ता। तो वो पोपा साहब ने मुझे बताया कि मेरे से ये पीस याद नहीं हुआ,
तो मैंने कहा कि यार नहीं, तो सब ने अपना अपना काम सुना दिया याद करके। पोपा साहब कहते मैं फ़ेल हो गया। तो मुझे फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, तो नज़र को मैंने कहा कि आप जाएँ। नज़र साहब आए, उन्होंने कहा चाचा वो पीस, तो उन्होंने कहा कि नज़र इसको ना सीधा करवा दो जिस तरह तुम करवा सकते हो। तो अभी ये सीधा किया हुआ पीस है जो वाम में इतना पॉपुलर हुआ है, तो इसका ओरिजिनल क्या होगा, ये मुझे पोपा साहब ने बताया। दूसरी बात ये है कि इसमें जो आपने कांगो वगैरह का जिक्र किया, तो ताफो साहब उस वक्त ये सारे अच्छा, तो ये चंद एक गानों में से ये भी एक गाना है कि जिसमें मेरे वाले साहब ने इनके साथ ताफो ब्रदर्स के साथ काम किया। तो उन्होंने कहा कि हम लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट फिर यूज़ किए गए इसमें। और दूसरी बात इस गाने में ये है कि इस गाने को पहले इशरत चौधरी पे पिक्चराइज किया गया। अच्छा। और इलियास कश्मीरी साहब लेकर आए इनको मुमताज़ को, और उन्होंने जब गाना सुना रफ पे, तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी साहब इस गाने की आप आर्टिस्ट चेंज कर दें, मैं आपको नई लड़की देता हूँ, ये नई है, इससे गाना ये करवाएं। ये किसने कहा? इलियास कश्मीरी साहब ने, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े। जी 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 जी। तो उन्होंने कन्विंस करके इस गाने को रीशूट किया और मुमताज़ पे किया, और ये गाना मुमताज़ के लिए भी लकी साबित हुआ, फिल्म के लिए भी लकी साबित हुआ, मेरे फादर के लिए भी, मैडम नूरजहाँ के लिए भी, इवन एवरी वन हु वॉज़ द पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, आज वो प्राउड फील करते हैं कि ये एक बहुत ही कामयाब गाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी फैमिली को इस पर बहुत फ़ख्र है। और कहीं आपके जो वज़ीर साहब के नवासे हैं उनको कहीं चाहत मिले हैं जी जी। और ट्रैफिक सिग्नल पे उन्होंने कहा है कि आप को पता है ये क्या, वो वाकया वो भी जरा शेयर कर दें। वो एक्चुअली वाकया ऐसे हुआ कि पैरागॉन के बाहर ये एक साहब आए हैं और वहाँ पे कोई आइसक्रीम जूस पीने, तो वहाँ वो मेरा भतीजा जो है गुलाम अब्बास मेरे भाई का बेटा, वो वहाँ गाड़ी पे खड़े थे, तो उन्होंने इनको रोका और उनका कि सर आपने वो इस तरह गाना गाया तो इसकी ये कंपोजिशन किसकी है, तो उन्होंने कहा ये मेरी है। तो उन्होंने कहा कि देखें आपकी बड़ी मेहरबानी, अस्तगफिरुल्लाह, आप इस कंपोजिशन को बख्श वजीर के नाम पे करें क्योंकि उनका नाम है ये, उन्होंने उनकी है। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आई एम ग्रैंड सन ऑफ बख्श वजीर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको करें, क्योंकि मेरे वाले साहब ने हमें एक तालीम दी है जो जिसको मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सबसे पहला पाकिस्तान का जो गाना कॉपी हुआ था इंडिया में, दैट वाज माय फादर सॉन्ग, जो तो होली जी लैना मेरा नाम है था मरजानिया। वाह वाह वाह। और क्या 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 गाना है और क्या कैफियत है और क्या अस्थाई है, जिस तरह अस्थाई है उससे ज्यादा अच्छा उन्होंने बना दिया जी। एग्जैक्टली। तो वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये कहा था कि जी हम दरबारी में जब शुरू कर रहे थे गाना बनाना तो हम इससे अच्छा अंतरा बन नहीं रहा था, वाह, तो हमने फिर इसी को अडॉप्ट किया। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि मैंने राग दरबारी को इस गाने में लॉक कर दिया है, अगर कोई भी बंदा शुद्ध राग दरबारी में काम करना चाहेगा तो इस गाने को टच किए बगैर नहीं जा सकता। वाह 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 वाह। मैं जब पीटीवी पे था तो 91 में अमेरिकन म्यूजिक रिसर्च काउंसिल ने उस गाने की रिसर्च भेजी थी, तो जिसमें उन्होंने जिक्र किया था द पर्सन हु हैज क्रिएटेड दिस सॉन्ग आइदर ही इज द क्रिएटर ऑफ राग दरबारी और व्हेन राग दरबारी वाज बीइंग क्रिएटेड ऑन दिस अर्थ ही वाज प्रेजेंट। वाह वाह वाह। मेरे वाले साहब ने बात ये हो रही थी कॉपी की, तो वो जो कॉपी करता था वो कहते थे यार ये मुझे इज्जत दी है उन्होंने, लातदाद गाने हैं, बहुत बहुत बड़े मौसीकार, उनके सीनियर्स बहुत बड़े थे, उनके जूनियर्स ने भी अच्छा काम किया, तो वो कह रहे थे यार किसी को भी ले सकते थे, उन्होंने जब मुझे सिलेक्ट किया तो उन्होंने मुझे इज्जत दी है, तो मैं उन पर केस नहीं कर सकता। तो हमें वो एक अच्छे अंदाज में कॉपी हुए, आज कॉपी तो नहीं किया, आज तो उस गाने की तौहीन करने की कोशिश की गई है, उस मेलोडी के साथ नाइंसाफ़ी की है। आर्टिस्ट जो आर्ट होता है वो इसी तरह है जैसे आर्टिस्ट का और आवाम का रिश्ता, फैन का रिश्ता सर बिल्कुल ऐसे है जैसे माँ बाप का रिश्ता। वाह। पेरेंट्स बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, आपने कभी नहीं देखा पेरेंट्स बच्चों से नाराज़ हो जाएं, बच्चे नाराज होते हैं, इसी तरह आर्टिस्ट नाराज़ नहीं होता, आवाम उससे फिर जाती है, ओए होए दूसरे आर्टिस्ट की तरफ चले जाती है। वाह वाह वाह। तो वो एक खिलौने की तरह एंटरटेनमेंट के लिए आवाम को दी गई चीज़ थी, अख लड़ी बदोबदी, और आवाम ने उसको इंजॉय किया। अब कुछ बच्चे जिनको हमारी जबान में कूड़ कहते हैं या थोड़े ज़िद्दी बच्चे होते हैं या अग्रेशन में होते हैं बच्चे, उन खिलौनों को तोड़ देते हैं, सही, तोड़ के उनका बुरा असर कर देते हैं। तो आई थिंक ये आवाम में से कोई ऐसा बच्चा है कि जिसने उसको तोड़ फोड़ के किया है लेकिन उसमें भी उसको फ़ायदा हो गया। अच्छा, चाहत के बाद जो है अपने हमारे जो दोस्त हैं इब्रारुल हक, जी जी जी, है नहीं? जी जी, वो एक जगह हम जो है ट्राइका, सैयद नूर साहब और आप, जी जी, इब्रार साहब और मैं, वो एक बाद में बात करेंगे, हम इकट्ठे थे। जी जी जी। तो इब्रार जो है इनके भी दोस्त हैं। जी बिल्कुल। वो हमारे भी और पाकिस्तान के बड़े अच्छे फोक पॉप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी वो गाना गाया है, तो उनका भी गाना पॉपुलर जी। इब्रारुल हक से मेरा ताल्लुक जी म्यूजिक चैलेंज से है,
म्यूज़िक चैलेंज प्रोग्राम हम लोग किया करते थे, आई वॉज अ सेलेक्टर ऑफ दैट प्रोग्राम, और उसमें भी मैं, मेरी सारी जिम्मेदारी थी लोगों के ऑडिशन करने, तो इनको इस्लामाबाद से हमने बुलाया था उसमें गाने के लिए, तो इब्रार को उसमें हमने, इब्रार, शाजिया मंजूर, उमैर अरशद, इन सबको हमने उसमें चांस दिया था। ले देखिए जरा जी, सारे इब्रार और हुमैरा और शाजिया मंजूर, ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि सब कॉन्टिनेंट में एक जाने गए आर्टिस्ट हैं और महबूब आर्टिस्ट हैं ये तीनों, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों के ऑडिशन मैंने किए। कितना कितना कितने कितने अहम बंदे आए हुए हैं मेरी टाकीज में हजूर। वाइंड अप करते हैं उसके बाद बख्शी वजीर साहब की जोड़ी पे एक और विलाग हम उस पर बात करते हैं। इसका ये बताएं कि बख्शी वजीर साहब जो है इस गाने का फिर लुबे लुबाब ये हुआ कि वो गाना, फिर उन्होंने सजा ये हुई कि इकबाल कश्मीरी साहब के साथ काम नहीं किया। नहीं किया सर, जब तक जिंदा रहे नहीं किया। यानी इतना इतना स्केल बना ये बनारसी ठग फिल्म का, और ये मुझे मैं अभी छोटा सा वाकया अर्ज कर दूं कि पीटीवी के गेट, जो एक बाहर का गेट है एक अंदर सीढ़ियां चढ़ के गेट जी आता जी, है जी, जी। वहां मुझे वजीर साहब कुछ साल पहले मिल गए, तो मैं उनका बचपन से ही फैन था। मेरे दोस्त अल्लाह बहिश्त नसीब करे बब्बू बराल मरहूम, वो सुनाया करते थे गुजरांवाला में मुझे, माही हसिया बहारा खिड़ पहिया, तो वो मैडम नूर जहां का वो गीत है जिसमें मैं, मुझे जब वजीर साहब मिले तो मैंने उनका हाथ अपने सीने पर रख लिया और मैंने कहा सर वो एक्सप्रेशन बनाया है, वो खुशी जब इंसान की आंख में आंसू आ जाता है, तो वो फीलिंग आपने, तो उन्होंने ऐसे मेरा हाथ जो पकड़ा हुआ था, उन्होंने दाएं बाएं लोगों को बुला लिया, उन्होंने कहा फलाने 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 इधर आओ, ओ यार देखो कैसी दाद दे रहे हैं जर्नलिस्ट। तो वो मुझे जानते नहीं थे, मैं तो उनका फैन था। तो फिर मैंने जो दूसरे गाने का हवाला दिया वो ये था अख लड़ी बदो बदी, तो ये बड़ा एक शरारती एक मेलोडी इसमें है, एक एक शरारत भी है जो एक वायरल आजकल है ना एक फिनोमेना वायरल होना, तो ये ख्वाजा परवेज साहब और बख्शी वजीर साहब ने उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया अख लड़ी बदो बदी। और ये देखिए कि ये 74 में आया गाना, और आधी सदी के बाद भी अब जो मेरी अगली मेरी हमारे जो भतीजे और मेरी बेटी हैं उनको भी ये गाना पसंद है, और ये आधी सदी से चल रहा है, और इकबाल कश्मीरी साहब आज जिंदा होंगे मैं कह रहा कश्मीरी साहब आपने ये क्या कितनी बड़ी गलती की, और फिर वो इस इस्तेहकाक से, इस प्रिविलेज से महरूम हुए बख्शी वजीर जोड़ी ने उनके साथ काम नहीं किया। तो नईम भाई बहुत शुक्रिया इस व्लॉग में, और मिलते हैं अगले व्लॉग। थैंक यू। लड़ी बदोबदी अख लड़ी बदोबदी।